हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग लिस्ट स्टाइल देखेंगे। लिस्ट स्टाइल क्या है? लिस्ट स्टाइल शॉर्ट हैंड है सभी प्रॉपर्टीज़ का। कौन कौन सी प्रॉपर्टी का? लिस्ट स्टाइल टाइप का, लिस्ट स्टाइल इमेज का और लिस्ट स्टाइल पोजीशन का शॉर्ट हैंड है। यानी कि एक लाइन में आप इन तीनों को डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, यूएल लिखा आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट में, आप इसको लिख रहे हैं तो लिस्ट स्टाइल लिखना है, ये देना है, देन स्क्वायर और इनसाइड। यहाँ मैंने सिर्फ दो का इस्तेमाल किया। तो अगर आप इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो लिस्ट स्टाइल टाइप आप लिख सकते हैं, लिस्ट स्टाइल इमेज लिख सकते हैं और लिस्ट स्टाइल पोजीशन लिख सकते हैं। तो अगर इसमें से कोई एक भी अगर आप मिस करते हैं यहाँ लिखना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका वैल्यू रहता है वो अप्लाई हो जाता है। इसमें आपको ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। ऑर्डर कुछ इस तरीके से कि सबसे पहला जो वैल्यू होगा वो लिस्ट स्टाइल टाइप होगा अगर आप देते हैं तो, दूसरा जो वैल्यू होगा वह लिस्ट स्टाइल पोजीशन होगा और तीसरे नंबर पर आपको देना है लिस्ट स्टाइल इमेज अगर आप देना चाहते हैं तो। अगर आप नहीं देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि यहाँ हम लोगों ने इमेज नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नन है। उसी तरीके से अगर आप लिस्ट स्टाइल टाइप नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो सर्कल रहता है वह यहाँ अप्लाई किया हुआ रहता है। ठीक है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन अगर आप नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आउटसाइड रहता है वो अप्लाई किया हुआ रहता है। तो इस केस में ये जो कोड है, ये इस कोड में हम लोगों ने लिस्ट स्टाइल टाइप दिया है स्क्वायर, इसलिए इसका बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल नहीं लेगा बल्कि स्क्वायर लेगा। लिस्ट स्टाइल पोजीशन हम लोगों ने इनसाइड दिया है, इसलिए इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो आउटसाइड है वो नहीं लेगा बल्कि इनसाइड लेगा। लेकिन यहाँ लिस्ट स्टाइल इमेज नहीं लिखा है तो उस वजह से इसके लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है नन, वो यहाँ अप्लाई किया हुआ आपको मिलेगा। सो चलिए इसका लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। सो ये है हमारा कोड, इसको सबसे पहले हटा लेते हैं और सेव करके और रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, ये मैंने जूम कर लिया तो ये अभी आपको दिखाई दे रहा है विदाउट CSS। अब CSS इसमें अप्लाई करते हैं और इसमें सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने स्क्वायर किया हुआ है टाइप को और पोजिशन को हम लोगों ने इनसाइड किया हुआ है। ठीक है, सेव किया मैंने। चलिए इसी को रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अभी यहाँ सर्कल दिखाई दे रहा है, अभी ये स्क्वायर हो जाएगा और ये आउटसाइड है तो अभी ये इनसाइड हो जाएगा। रिफ्रेश किया मैंने, आप देखेंगे ये स्क्वायर हो गया और ये इनसाइड में चला आता है। ओके, सो ये शॉर्ट हैंड है बेसिकली, जिसमें कि आपको अलग अलग इन वैल्यूज़ के लिए अलग अलग आपको प्रॉपर्टी लिखने का आवश्यकता नहीं, बल्कि आप सिर्फ इसको यूज़ कीजिए और ऑर्डर को फॉलो करते हुए आप एक लाइन में तीनों प्रॉपर्टीज़ का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।